वेणुगोपाल जी, खारगे जी, मुनियप्पा जी, बीके हरिप्रसाद जी, कांग्रेस पार्टी के स्टेज पे हमारे सब सीनियर नेता, मंत्री, एमएलएज, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप यहां आए, दूर दूर से आप आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। जो सड़क पे वहां लोग खड़े हैं, आपका भी मैं यहां स्वागत करना चाहता हूं। नमस्कार। कर्नाटक में चुनाव है, दो विचारधाराएं लड़ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है पूरे देश को एक करने वाली विचारधारा, कर्नाटक को जोड़ने वाली विचारधारा, प्यार भाईचारा फैलाने वाली विचारधारा, गरीबों को मदद करने वाली, शक्ति देने वाली विचारधारा। दूसरी तरफ आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, येदुरप्पा जी, नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे देश पर आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहते हैं, वो कर्नाटक के लोगों की, कर्नाटक की भाषा की, कर्नाटक के इतिहास की, कर्नाटक की सोच के बारे में उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक विचारधारा लागू हो, आरएसएस और नागपुर में जो उनका ऑफिस है उसकी विचारधारा पूरे हिंदुस्तान में फैले। मोदी जी जाते हैं, बसवाना की मूर्ति पे माला लगाते हैं, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, मगर बसवाना ने जो कहा और जो बसवाना ने करके दिखाया उसके बारे में मोदी जी को कुछ लेना देना नहीं। बसवाना ने कहा था, सबसे जरूरी चीज आदमी का शब्द होता है, नुडिडंटे नडे, मतलब जो कहते हो वो करके दिखाओ, जो कहते हो वो करके दिखाओ। शब्दों में वजन होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति कुछ कहता है तो वो सच्चाई होनी चाहिए। और अगर कर्नाटक को सफलता मिली है, अगर आपके लोग आज सिलिकॉन वैली तक पहुंचे और अगर आपका नाम वहां तक मशहूर है, इसका यही कारण है कि कर्नाटक के लोग जब कहते हैं तो करके दिखाते हैं। और यह आपने पूरे देश को दिखाया है, पूरे देश को आपने काम करके दिखाया है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो एचएएल हो, चाहे वो हमारी स्पेस इंडस्ट्री हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, जो कर्नाटका के लोग कहते हैं, एक बार कह देते हैं तो मान लो वो काम हो गया। और यही कांग्रेस पार्टी की सोच है। हमने आपको मैनिफेस्टो दिया 5 साल पहले, आप अगर उस मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे 90% से ज्यादा चीजें हमने करके आपको दे दी, और ये पूरा देश जानता है। 8,000 करोड़ रुपया कर्नाटक के किसान का कर्जा माफ करके हमने दिया। मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का माफ किया है। मैं स्वयं उनके ऑफिस गया, मैंने उनसे कहा, मोदी जी आपने 15 लोगों का माफ कर दिया,
हिंदुस्तान का किसान, कर्नाटक का किसान, तमिलनाडु का किसान, आंध्र का किसान, पंजाब हरियाणा का किसान आपसे कर्जा माफी मांग रहा है। थोड़ा सा उसका भी सोचिए, उसका भी आप कर्जा माफ कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने ऑफिस में मुझे घूर के देखा और मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कुछ ही दिन बाद मैंने यही सवाल सिद्धरमैया जी से पूछा, सिद्धरमैया जी क्या लगता है, क्या कर्नाटक के किसान का कर्जा माफ किया जा सकता है? और मैं आपको बताता हूं, 10 दिन के अंदर सिद्धरमैया जी ने किसान का कर्नाटक में कर्जा माफ कर दिया। अच्छा, अगर मोदी जी के दिल में आपके लिए जगह होती तो मोदी जी कहते ठीक है, सिद्धरमैया जी ने 8,000 करोड़ रुपए माफ किया, कर्नाटक के किसान के लिए भी हिंदुस्तान की सरकार 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ रुपए माफ करके देगी। मगर उस समय नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, आपका पैसा उनके उद्योगपति मित्रों को दिया, आपसे रोजगार छीना। आते हैं, जब भी मोदी जी घबराते हैं, मैं आपको उनके चरित्र के बारे में बताता हूं, जब भी मोदी जी घबराते हैं वो किसी ना किसी पर पर्सनल अटैक करेंगे, किसी व्यक्ति को पर बुराई की बुराई करेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में गलत बोलेंगे। अब मुझ में और उनमें यह फर्क है, मुझ में और उनमें, वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, जितना भी उल्टा सीधा बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और मेरे मुंह से उनके ऊपर पर्सनल अटैक कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। चाहे वो कुछ भी बोले, मेरे बारे में कुछ भी कहें, मेरा कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मैं हिंदुस्तान का हूं, मैं अरे अपने प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक कभी नहीं करने वाला हूं। मगर मैं अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता हूं और मैं अपने प्रधानमंत्री से पूछ सकता हूं कि जो उन्होंने शब्द कहे थे उनके बारे में उनकी क्या राय है। मोदी जी ने कर्नाटक में लंबा भाषण दिया, मैंने उनसे 2-3 चीजें पूछी थी। मैंने उनसे कहा था, नरेंद्र मोदी जी आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कहा था कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ोगे, बसवाना ने कहा नुडी डंटे नडे, जो कहते हो वो करो। अब मैं आपसे अपने दिल से सवाल पूछ रहा हूं, आप कर्नाटक में आते हो, आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, मगर आपके स्टेज पर येदुरप्पा जी खड़े होते हैं, दूसरी तरफ 4 मंत्री जो जेल में जाकर आए हैं, आपने येदुरप्पा जी को चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनाया है, येदुरप्पा जी जेल गए, आप उसके बारे में अपने स्टेज से क्यों नहीं कहते कि आपने एक भ्रष्ट व्यक्ति को कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना रखा है? दूसरी बात, आपने देश की जनता को बैंक के सामने खड़ा किया, गर्मी में बारिश में आपने पूरे देश को खड़ा किया, आपने देश से कहा कि 500 रुपए और 1,000 रुपए का नोट मैं रद्दी करना चाहता हूं, काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूं, और देश ने आपकी मदद की, देश खड़ा हुआ, लाइन में लगा, आपने जनता की जेब से पैसा निकाला, 1,000 करोड़ रुपए आपने हमारी माताओं से लिया, बहनों से लिया, उन्होंने बचाया था आपने छीना उनसे, छोटे बिजनेसमैन थे, छोटे दुकानदार से आपने निकाला, किसानों से आपने कैश छीना, मजदूरों से आपने पैसा छीना, और कुछ ही महीने पहले हमने देखा कि 30,000 करोड़ रुपया, मतलब जितना पैसा कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा में डाला था
उतना पैसा जनता का पैसा नीरव मोदी चोरी करके हिंदुस्तान से भाग गया। मैंने आपसे पूछा था मोदी जी आप नीरव मोदी जी के बारे में शांत क्यों हैं, आप नीरव मोदी जी के बारे में एक शब्द क्यों नहीं कहते हैं। आपने मेरा मजाक उड़ाया मगर अभी तक आपने मेरा जवाब नहीं दिया। आपने मुझे यह नहीं बताया कि नीरव मोदी जब 30,000 करोड़ रुपए ले गया तो हमारा प्रधानमंत्री शांत क्यों था। आपने मुझे यह नहीं बताया कि येदुरप्पा जी जो भ्रष्ट है उसको आपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया उसके बारे में आप अपने भाषणों में एक शब्द क्यों नहीं कहते हैं। तीसरा सवाल, आपके मित्र हैं उनका नाम है जय अमित शाह, अमित शाह के पुत्र ने 40,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ रुपए में बदल दिया, चोरी की है, सीधी बात है, पूरा देश जानता है, सब बिजनेस बंद हो रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स ने सब बिजनेस बंद कर दिए और आप अपने मित्र के बेटे के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हो। आप कर्नाटका की जनता को नहीं कहते हो कि हां सच्चाई है अमित शाह के बेटे ने 50,000 रुपए को 80 करोड़ में बदला है, आप यह क्यों नहीं कहते हो। और बताता हूं, शोले पिक्चर में गब्बर सिंह था, आप गब्बर सिंह टैक्स लाए मगर इस बार आप उससे भी आगे निकल गए। इस बार आपने गब्बर सिंह की पूरी टीम कर्नाटक के विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उसमें गब्बर भी है, सांबा भी है, कालिया भी है, वो सब है, मतलब पूरा का पूरा गैंग, रेड्डी ब्रदर्स का पूरा गैंग जो जेल में था उसको आप निकालकर विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप देश से कहते हो कि हां मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। आप मेरे सवालों का जवाब दो, जितनी मेरी बुराई करनी आप करो मगर मेरी बुराई के बाद आप इन 3-4 सवालों के जवाब दे दो। रेड्डी ब्रदर्स को आप विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हो हां या ना? नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए ले गया उसके बारे में आपने क्या किया और आपका मुंह बंद क्यों था? राफेल मामले में आपने एचएएल से आपने कॉन्ट्रैक्ट छीना, 700 करोड़ वाले हवाई जहाज को आपने 1500 करोड़ रुपए में खरीदा, एचएएल और बेंगलोर के युवाओं से आपने रोजगार लिया और अपने मित्र को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसके बारे में भी आप एक शब्द नहीं बोलते हो। तो ये जो चुनाव है ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है, ये राहुल गांधी के भी बारे में नहीं है, ये कर्नाटका की जनता के भविष्य के बारे में है। अब मोदी जी कर्नाटक आते हैं और सच बताऊं तो कुछ कहने को है नहीं, शिक्षा की बात नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हर लड़की को किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त में शिक्षा दी है। भोजन की बात नहीं कर सकते क्योंकि हर शहर में कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक इंदिरा कैंटीन खोल रही है। गांव के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि हर घर में कांग्रेस पार्टी ने हर व्यक्ति को 7 किलो मुफ्त में चावल दिया है। सड़कों की बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके मंत्री ने कहा है और अमित शाह ने स्वयं महाराष्ट्र में कहा है कि कर्नाटक की सरकार हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन है। तो कहने को कुछ है नहीं, चुप बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। चलो अगर विकास के बारे में कुछ नहीं कह सकते
शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सड़कों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, किसानों के बारे में तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि मैंने क्योंकि मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ तो नहीं किया, एमएसपी किसानों को सही नहीं दी, बोनस काट दिया, जब बारिश गिरती है ओला आता है कॉम्पनसेशन वो नहीं देते, कर्नाटक की सरकार देती है, तो बोल नहीं सकते। तो चलो भाषण देना है तो राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं, राहुल गांधी के भाषण के बारे में बोलते हैं, मगर मोदी जी आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप हम सबसे बड़े हैं, आपको इस प्रकार के भाषण शोभा नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देते हैं। आप कर्नाटक की बात कीजिए, आप कर्नाटक के युवाओं को बताइए कि 2 करोड़ युवाओं को आपने जो वायदा किया था वो आप पूरा नहीं कर पाए। आप बताइए कि अगले साल में आप कर्नाटक के युवाओं के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए क्या करेंगे। आप छोटे दुकानदारों को बताइए कि गब्बर सिंह टैक्स से आप उनको कैसे बचाएंगे। आप माताओं बहनों को बताइए कि जो उनको चोट नोटबंदी से लगी उसके बारे में आप क्या करेंगे। ये भाषण प्रधानमंत्री को शोभा देगा। इस भाषण से आपके लोग, हमारे लोग आपकी ओर देखेंगे और कहेंगे हां प्रधानमंत्री ने सही बात बोली। मगर अगर आप मेरे बारे में बोलेंगे तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का युवा आपकी ओर देखता है और सोचता है कि देखो जिस प्रकार से बसवाना ने रास्ता दिखाया था कर्नाटक को, नुडीडंटे नडे, उस प्रकार से मोदी जी को काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकले वो सच्चाई होनी चाहिए, उसमें वजन होना चाहिए, पूरी दुनिया को देखना चाहिए और कहना चाहिए हां हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कह दिया मतलब सच्चाई ये होगा। इतना तो वजन होना चाहिए आदमी में। 15 लाख रुपए, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा, नहीं डाला। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, नहीं दिया। किसानों को सही दाम दूंगा, नहीं दिया। किसानों का कर्जा माफ करूंगा, नहीं किया। और करते क्या है, 15 लोगों की मदद, रेड्डी ब्रदर्स की मदद, वरिष्ठ लोगों को अपने स्टेज पे खड़ा करेंगे। यह फर्क है। सिद्धरमैया जी जो आपसे कहते हैं, खारगे जी जो आपसे कहते हैं, मैं जो आपसे कहता हूं, हम दिल से कहते हैं। अगर आपने हमारे भाषण से सुन लिया, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने हमारे भाषण में सुन लिया तो आप समझ लीजिए कि वो सच्चाई है, होगा। नुटी डंटे नडे। आप सब दूर दूर से आए, गर्मी का समय है, हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनका आप समर्थन कीजिए। कर्नाटक के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है कि यहां कांग्रेस पार्टी जीते और कर्नाटक की सरकार बने। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।